नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार हर साल बाढ़ से डूब जाता है। बिहार के लगभग 23 से 24 जिले बाढ़ से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इस बार मॉनसून भी सक्रिय है और बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में लगातार बारिश की संभावना है, यानी हेवी रेनफॉल होगा, जिसकी वजह से बाढ़ की और जो संभावनाएँ बन रही थी वो प्रबल हो गई है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने नालंदा का दौरा किया, साथ ही उस क्षेत्र का दौरा किया जहां पे बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ लाने वाली कई नदियां हैं, जिसके माध्यम से बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ज़्यादातर बाढ़ नेपाल क्षेत्र से आती है और जिसमें गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक सहित कई अन्य नदियाँ हैं जो सहायक नदियाँ हैं, उन सभी की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई होती है। लेकिन एक और नदी है, गंगा नदी, जो बड़े स्तर पर बाढ़ लाती है और तबाही मचाती है। आपको बता दें कि बक्सर और भोजपुर का क्षेत्र जो है गंगा नदी से प्रभावित है और खतरे के निशान से ऊपर है। बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश होगी, जिसके बाद वहां बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके पीछे के कई ऐसे कारण बताए जा रहे हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आते हैं। बाढ़ आने के पीछे के कई कारण है। एक कारण तो नेपाल में बांध का नहीं बनाया जाना, यानी नेपाल से जो नदियां आती है वो अचानक से पानी लेकर आती हैं और बहा ले जाती हैं कई जिलों को, कई घरों को और कई कस्बे को। आपको बता दें, गंगा नदी में गाद की वजह से पानी का स्तर ऊपर आ जाता है और गंगा की गहराई कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अब भोजपुर और बक्सर को लेकर एक बड़ी खबर है कि आने वाले 24 घंटे में हेवी रेनफॉल की जो संभावनाएं जताई जा रही है, अगर ये होती है तो अभी गंगा खतरे के निशान से ऊपर है, यानी खतरे के निशान लाल रंग का जो खतरे का निशान बनाया जाता है, जिस स्तर से मापा जाता है कि बाढ़ की ऊंचाई क्या है, बाढ़ किस स्तर पर आ रही है, उस स्तर से अब गंगा ऊपर चली गई है और आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाएं भी बताई जा रही है। हो सकता है कि भोजपुर और बक्सर जिला इस बार डूब जाए, क्योंकि गंगा अभी ही खतरे के निशान से ऊपर है। लेकिन देखना यह होगा कि नीतीश कुमार की क्या कुछ सक्रियता रहती है, क्योंकि बाढ़ को लेकर जिस प्रकार से बिहार की सरकार असंवेदनशील है और बिहार की सरकार बाढ़ हर साल आती है लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे पाती है। अब आने वाले दिनों में बिहार का जो हिस्सा बचा हुआ है वो भी डूबने के कगार पर है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।